रखड़िया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होंगे, लेकिन मेरे वास्ते सब तो खुशी का दिन वह होंगे जब रखड़ी वाले दिन भैन घर आदियां। वैसे भी कहते मां दियां असीसां राज बहावण बख्शण मुल्क जगीरी। मां दियां असीसां दे नाल, भैणां दियां असीसां दे नाल तुहानूं वजीरियां जगीरियां समाज दे विच माण सत्कार मिलदा है। आ पुलिस वालियां नूं मेरी बेनती है तुसीं पासे हो जाओ, आ जाण दो अगे सारियां नूं, इह रस्ते च रोकदे काहनूं है तुसीं। सो अज तुसी इत्थे आईयां हो, मैं तुहाडा बहुत स्वागत करदा। गुरु नानक साहब ने कहा सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। तुसी समाज नूं सिरजण वालियां हो। चंगा समाज एक औरत बना सकती है। औरत जिहड़ी मां हुंदी है हर बंदे दी सब तो पहली ते मुढ़ली टीचर है। औरत चंगी शिक्षा दवे तां चंगा समाज बणदा है। औरतां दे नाल ही समाज है, धीआं दे नाल परिवार है। इसलिए थोड़ा आना सिर मत्थे है, थोड़े मसले जिन्ने हल किते जान वो समझो साढ़े वास्ते बड़ियां असीसां है ते साडा फर्ज बनदा है। मैं दिल तो चाहुंदा कि जिन्नियां पंजाब दे विच बीबियां है, औरतां है, भैणां है, मावां, उन्हां दा विशेष ध्यान रख्या जावे। ये साडी जिम्मेवारी है ते खास तौर ते मिडल वर्ग दे गरीब वर्ग दे हर परिवार दा जिम्मेवारी है जिहड़ी उस सरकार दी बनदी है कि उन्हां नूं एक चंगा जीवन मिले, वो चंगा निर्वाह कर सकन। बहुत थोड़े पैसे मिलदे तुहानूं, उहदे नाल गुजारा नहीं है। इस नूं जिन्ना वधाया जा सके उन्ना थोड़ा है, पर मैं इस नूं काफी अगे ले जाना चाहुंदा। साडी सरकार दी सोच कि हर परिवार नूं अच्छा जीवन मिले। कि एक मैं एक शेर सुनिया सी, कहिंदा अंधेरो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो। यार आवाज पिछे नूं वापस मुड़ के आंदी। अंधेरो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिल जला दूंगा। इस तरह की सोच दे नाल बंदे नूं अगे बधना चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा आम लोगों का फायदा होवे, हर गरीब दे घर, हर मिडल क्लास दे बंदे दे घर, हर किसान दे घर, हर दुकानदार दे घर, हर व्यापारी दे घर चंगा खुशहाली होवे, ये साडी कामना है। उस कामना के तहत असी अज तुहानू बुलाया है। पहले असी आशा वर्कर ते मिड डे मील वर्कर जेड़ियां लगभग 67,000 है उन्हां दा मसला हल कीता है। वह बीबियां भी आउंदियां लेकिन उन्हां नूं गुजारे जोगे पैसे नहीं मिलते, उन्हां दे पत्ते बधाए है, उन्होंने तनखाहां बधाईयां। तुहाडा भी गिणती 52,000 है, तुहाडी भी यह जरूरत है। और मैं एक गल कहना कि दुनिया दे विच जे कोई जुझारू है, जे कोई संघर्ष कर सकता है तो वह आंगनवाड़ी वर्कर है। उस दिन तुहाडे लीडर आए, मैं इन्हां नूं कहा, मैं कहा संघर्ष तुसीं बहुत करिया, बहुत लंबे समय तो तुसीं संघर्ष विच हो, और तुहाडे तों मैं आप सीखना कि संघर्ष जिंदगी दे विच जरूरी है। अंबेडकर ने भी कहा पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो। तुहाडे संघर्ष नूं मेरी सलाम है। मैं भी इन्ना नहीं कर सकता जिन्ना तुसीं कीता, ते तुसीं एक मिसाल पैदा की है कि अपने हक्कां नाल लड़न वास्ते
जमहूरीयत दा विच साडा फर्ज है कि सानू अपने हक मिल। और जिन्ने दुनिया भर दे काम है सारी सरकारां आंगनबाड़ी वर्करां नूं संभाल दिंदी है। जिस तरह हुणे कहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर रीढ़ दी हड्डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर काम दा तुहानूं दे दित्ता जांदा है। बच्चों की गिनती करनी तां तुसीं करो, बंदियां की गिनती करनी तां तुसीं करो, वोटां बणनियां तां तुसीं मूहरे, हर काम दे विच मूहरे। ते तुहाडी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पंजाब दे विच, पंजाब नूं अगे लिजाण दे विच, समाज नूं सिरजण दे विच, पिंडां दी प्रफुल्लत करन विच तुसीं बहुत बड़ा रोल अब निभा रहीआं हो। उस लई मैं तुहाडा दिल तों धन्नवाद करदा। असीं बिजली दे बिल कटाए, उह वी इस करके कि जद बीबी बिजली का बिल दे के आउंदी है तां पिछे बजदा ही कुछ नहीं। मेरे घर का बिल मेरी वाइफ के खाते चो जांदा है, डाक्टर लगी हुई है, तनखाह भी चंगी मिलती है, लेकिन जब बिल आउंदा है तां मेरे वल नूं देखण लग जांदी वी आ क्या है। इस करके असीं 3 रुपये बिजली का रेट घटाया है। अज पंजाब दे विच हिंदुस्तान च सब नालों सस्ती बिजली मिल रही है, 3 रुपये रेट घटाता है। पुराने बकाए एडे एडे बिल आए हुए सी, 2 किलोवाट तक दे सारे कंज्यूमर 52 लाख है, उन्हां दे पुराने बकाए इस करके माफ किए हैं कि वह दे नहीं पा रहे, उन्हां वास्ते मुश्किल सी, बिजली दे मीटर कट होने लग गए सी, ऐसी वो सारे माफ किए। पानी दे पुराने बिल माफ किए, पानी दी टैंकियां दे पुराने बिल माफ किए, पेट्रोल 10 रुपये कट्ठा कटाया पंजाब दे विच, डीजल 5 रुपये कट्ठा कटाया, ड्रम भराओ तो 1000 बजदा, स्कूटर तेल पाओ तो पैसे मौके पर बजदे। लेकिन ये कहंदे जी ये तो लागू नहीं करदा, ऐलान ही करदा, लेकिन तुसीं जाके देखो कि पेट्रोल सस्ता मिल रहा कि नहीं, डीजल मिल रहा कि नहीं, पेट्रोल पानी बिजली दे बिल घट गए कि नहीं, बिजली दे बकाए माफ होए कि नहीं। ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चादर छोटी रह गई, पैर बड़े रह गए, पैर बाहर चले गए, टैक्सा का बोझ बढ़ गया, गरीब का घर चलना औखा हो गया, थोड़ी रसोई नहीं चल रही। इस करके बिजली पानी पेट्रोल डीजल जिहड़ी रोज की जरूरत है उन्हां दे रेट घटाए है। मैं क्यों कर रहा? क्योंकि मैं गरीबी दे विच थोड़े वर्गे परिवारां दे विच पलिया, मैं ये मुसीबतां झलियां, इस करके मैं इन्हां मुसीबतां दा हल कर रहा। हुण कहिंदे जी ये तां सारा ही लोकां नूं ही वंडी जा रहा है, भी मेरे किहड़े बापू का पैसा ना, उन्हां दे बापू का पैसा तां जिहड़े पुराने सीगे मुख्यमंत्री, लोकां दा पैसा है, लोकां दे घरां जाणा चाहीदा है। इस करके मैं खजाने का मूह आम लोगों वल नूं करता, जिहड़ा बादलों वल नूं सीगा, जिहड़ा महाराजा वल नूं सीगा, वह मूह मोड़ के लोगों वल नूं करता है। ये थोड़े वल नूं पैसे आने लग गए, ये फर्क है, ये फर्क है आम लोगों का ते रजवाड़ा शाही का। इस करके ये जरूरी है कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दा पैसा मिले। बाहर ते लोग आण लग जांदे है, केजरीवाल जी नूं कोरोना हो गया, अज मैं उन्हां नाल टैलीफोन ते गल कीती, मैं कहा बड़ी माड़ी गल होई, तुसीं तुहाडी सेहत चंगी होवे तुहानूं मैं शुभकामनावां दिंदा, लेकिन ये लोग बाहर ते आके पंजाब च राज करना चाहुंदे, पंजाब वास्ते भी ये कोरोना ही है। ऐसी इहो जिहा कोरोना नहीं लेना, अजिही बीमारी नहीं पौनी कि जिहड़ी बाहर ते आके सानू पै जे, साडा पैसा बाहर नू जाण लग जे। हुण दिल्ली दे मुख्यमंत्री दे बोर्ड पंजाब च लगे वे कि ऐतकी बार केजरीवाल किते फ्री थोड़ो लगदे है, दिल्ली दी सरकार दा पैसा लग रहा, कल नू किते आपां उरे बना बैठे तां साडा पैसा दिल्ली और महाराष्ट्र च लगदा फिरूगा, खर्चा बाहर नू जाण लग जाएगा। ऐसी लोकां वल नूं मोड़ना है। सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि थोड़ियां बड़ियां जायज मंगां,
पहला भी अगस्त विच कुछ पैसे बधाए सी सरकार ने, लेकिन अज होर बना रहे। लेकिन ये मैं दिल से अपनिया भैणा नू, साडे वित्त मंत्री साहब बैठे, साडे मंत्री जी बैठे है, इन्होंने भी दिल खोल के जेड़ा फैसला होया उदे ते मोहर लाई है। थोड़िया लीडरां नाल समझौता होके उन्हां नाल बैठ के गल करके ये फैसले पर असीं पहुंचे है जेड़े दा मैं ऐलान करना है। सो मैं थोड़ा इत्थे आउण ते पहला धन्नवाद करदा ऐलान आउण तो, ते थोनूं प्यार आ सत्कार है। ऐसी लंगर भी बनाया, तुसी लंगर छक के जाना सारिया ने, इस तो बाद बड़ी दूर दूर ते आए हो। थोड़ा एकता देखो किन्नी है। मैं हर गोबिंद भैन जी उन्हां नूं कहा, मैं कहा भी जे एक भी कुर्सी खाली हुई तो मैं ऐलान नहीं करना। अज हालात यह है कि मैं कुर्सियां लभदा फिरदा भैणा नूं बिठा के दे दवां। तुसी इन्नियां खड़ियां, पूरा भरिया होया पंडाल। मैं मनप्रीत बादल जी नूं कहा सी, मैं कहा जे असी रैली करनी होवे इन्ने बंदे कट्ठे नहीं होंदे पोलीटिकल बंदियां तों, लभदे फिरदे बंदियां नूं किधर दे लियाईए। तुसी ऐ आ गईआं जिस तरह इक्को दम कट्ठा होके, सारा मरंडा मेरा इलाका भी धन धन हो गया थोड़े चरण पै गए। थोड़े नारे मैं ला दिंदा, तुसी सारियां बार बार ला रही हैं। इनकलाब, 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 नारी शक्ति, नारी शक्ति। ये बड़ी गल हुण इन्हां दे दूए नारे, आवाज दो, आवाज दो, भैणा दा भरा वास्ते प्यार, भैणा दा भरा वास्ते प्यार। सो एक गल मैं थोनू कह दा कि जे जिंदगी च कदे कोई परमात्मा करे थोनू मुसीबत ना पवे, चढ़दी कला रहे थोड़ी। मेरी मां ने भी साडे नाल मिलके बड़ी मेहनत कीती, तुसी अपने बच्चों नाल मिलके कर रहे हो। ऐसी भी कदे टोबे चो गारा ले जाके बिच तूड़ी पाके लिपदे हुंदे सी अपना घर, तुसी भी गरीबी देखी। लेकिन कदे भी जे जरूरत पै जावे, थोड़ा भार इत्थे है, थोड़े वास्ते हट है, महाजर है, मैनू जद मर्जी बुला लियो। तुसी जद मर्जी अपने मैनू एक बार टेलीफोन करो, स्नेहा भेजो, मैनू जद भी मिलना होवे तुसी आओ। मैं कोई ऐ तां है नहीं भी बाहर जाके फार्म च सौ जाना है, मैं तां लोकां दे विच हर टाइम, हर टाइम थोड़े विचकार है। हुण किसे दिन मैं किसे आंगनवाड़ी वर्कर दे घर जरूर जाके खाना खाना, मैनू जेड़ा कोई बुलाएगा मैं उहदे जाऊंगा। तुसी भी उत्थे कट्ठियां होयो, आपां कट्ठे होके खाना खाऊंगे। ए भैण जी ने अंबरसर इनवाइट कर लिया, कोई जलंधर करेगी, बहुत दूर दूर ते तुसी आईयां होईयां, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, पंज सत दे घर जाऊंगा। सो थोड़ा बहुत धन्नवाद है, थोड़ी 8100 रुपया तनखाह है जेड़े आंगनवाड़ी वर्कर है, ते मिनी दी 5300 है, आंगनवाड़ी हेल्पर दी 4000 है, 50 रुपये, 4000, 50 रुपये। ये पहला 5100 रुपया किसी का 600 रुपया बधिया सी, लेकिन हुण असी इकट्ठा थोड़ा 4050 वालियां दी 5100 रुपये कर रहे हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की तनखा। मंजूर है, बहुत अच्छे। लेकिन नाल मैं ये भी कहना, अपना संघर्ष ना छड्डियो, अगे फिर सही आ गई नवी सरकार उते ले लांगे, फिर बधावांगे। दूसरा 5300 रुपये वालियां दी जेड़ी आंगनवाड़ी वर्कर है मिनी, उन्हां दी 5300 तो 6300 रुपया कर रहे हैं, थानू बहुत बहुत बधाई होवे। 8100 रुपये आले जेड़े आंगनवाड़ी वर्कर है उन्हां दी 9500 रुपया तनखाह कर रहे, थानू सारियां नू बहुत बहुत बधाई।
लेकिन गल इत्थे खत्म नहीं हो रही। ए एक बार हुण बधाई है, लेकिन हर साल आंगनवाड़ी वर्कर है जेड़े उन्हां दी 500 रुपया तनखा बधेगी हर पहली जनवरी नूं। ए कानून बना देना है, बन गया कानून, बना नहीं देना। एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दी 250 रुपया ते आंगनवाड़ी हैल्पर दी 250 रुपया हर साल भी तनखा बधे करेगी पहली जनवरी नूं। लेकिन कई बार कह देंदे है भी ऐलान ही करदा है, मैं ऐलान नहीं कल्ले करदा। साडी रजिया सुल्तान भैण जी जीउंदी रहे ते नाल साडा वित्त मंत्री ऐसी थानू नोटिफिकेशन नाल करके लिया है जिहड़ा अज ऐलान कर रहे। मैं नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दिना। पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा इस्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब सुरक्षा शाखा हुक्म, पंजाब दे राजपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हैल्परां दे माण पत्ते विच करमवार 1400 रुपया, 1000 रुपया ते 1050 रुपए का महीनावार वाधा करन दी प्रवानगी दिंदे हन। ए वाधा पत्र जारी होण दी मिति तों दित्ता जावेगा। कल दी डेट च पत्र जारी करता, कल ते थोनू वाधा मिलना शुरू हो गया पहली। ते नाल ओ साडी भैण बैठी है राजी, श्री वास्तव भाई दे सैन थले होए वे है, आ थोड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरा नोटिफिकेशन, पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा इस्त्री दे बाल विभाग समाजिक सुरक्षा शाखा हुक्म, पंजाब दे राजपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हैल्परां दे माण पत्ते विच करमवार 500 रुपए, 250 रुपए अते 250 रुपए सालाना वाधा करन दी प्रवानगी दिंदे हन। ए सालाना वाधा 1/1/2023 तो मिलण योग होवेगा, मतलब हर साल एक साल बाद अगली जनवरी तो सालाना वाधा होएगा, तुहानू हर साल थोड़ी इस तरह ही तनखा वधेगी। ते जेड़े थोड़ा 1400 रुपया, 1000 ते 1050 रुपया वधिया ओह पहली तरीक जेड़ी लंघ चुकी है इस तो लागू हो जाएगा, अगले महीने तुहानू वधा के तनखा मिलेगी। सो मैनू खुशी है कि मैं अपनियां भैणां दे काम आ सकिया, अपनियां मावां दे काम आ सकिया, अपनियां धीआं दे काम आ सकिया। ते थोड़े लीडरां नूं मैं एक दिन कहा, मैं क्या स्टेज पर बोलना पऊगा, फिर उस दिन कहनी सानू सरकार दे हक च बोलण दी आदत नहीं है। सो हुण हक च बोलण दी आदत अज ते पा लिओ, थोड़े भरा दी सरकार है। एक बार हुण पंजाब सरकार दा नां दा भी लारा मार दिओ, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद, परमात्मा थोनू चढ़दी कला बख्शे, थोड़े घरां च तरक्की आवे, थोड़े न्याणे अच्छी एजुकेशन पढ़न। मैं एक गल कह दिना कि जद तक चंगी पढ़ाई बच्चों नूं नहीं मिलती, जद तक समाज दे विच परिवार अगे नहीं आ सकता। इस करके मैं आने वाले दिनों परमात्मा ने अगली सरकार बनाई पार्टी की, तां असी स्कूलों की काया कल्प करनी है ते स्कूल वधिया बनाने। हुण भी बहुत काम होया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल स्कूल पंजाब दे विच चलणगे, ते मॉडल कॉलेज पंजाब दे विच चलणगे। नवीं यूनिवर्सिटियां दी नवी एजुकेशन पॉलिसी असी लेके आवांगे। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई। सारिआं ने लंगर छक के जाणा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।